बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। टुडे वी विल बी स्टार्टिंग मैथमेटिक्स ग्रेड 5 होल नंबर्स एंड ऑपरेशंस। ये बुक है पंजाब करिकुलम एंड टेक्स्ट बुक बोर्ड लाहौर। तो पहला चैप्टर जो है वो हम स्टार्ट करते हैं। इसमें हमने लर्न करना है सबसे पहले नंबर्स अप टू 1 मिलियन। नंबर्स अप टू 1 मिलियन ये हमने स्टडी करना है। सबसे पहले देखें कि मिलियन क्या होता है। जो 10 लाख होता है, ठीक है, उर्दू में उसको कहते हैं मिलियन। तो ये हमने देखना है इसमें कि हम दो फॉर्म्स जो है ना वो हमने देखनी है इसमें, कि एक न्यूमरल्स न्यूमरल्स होता है जो नंबर्स से बनाता है, यानी 251, 650, इसमें नंबर्स आ रहे हैं तो है न्यूमरल्स। एक होती है न्यूमरल्स फॉर्म, उसको हमने किसी भी वैल्यू को, किसी भी अमाउंट को हमने लिखना है नंबर्स की फॉर्म में, कहेंगे हम न्यूमरल्स फॉर्म। और दूसरा होता है वर्ड फॉर्म, जैसे हम लिखते हैं ना 10,000। जब हम इंग्लिश में लिखते हैं, इंग्लिश में जब हम रिप्रेजेंट करते हैं नंबर्स को, तो वो होती है वर्ड फॉर्म। तो ये दो जो है हमने न्यूमरल्स फॉर्म और वर्ड फॉर्म हमने सीखनी है फॉर नंबर्स अप टू 1 मिलियन। तो ये हम स्टेप बाय स्टेप इजीली हम लेके चलेंगे ताकि आपको हर चीज़ की समझ आती जाए। सबसे पहली चीज़ ये है कि आपने जो लर्न करना है वो राइट साइड से हमने स्टार्ट लेना है। कैसे? इस इधर हम लिखेंगे वंस। वंस क्या होते हैं? जैसे 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 अप टू 9। 9 तक जो नंबर्स होते हैं उनको हम वंस कहते हैं। जो 9 तक नंबर्स होते हैं उनको हम वंस कहते हैं। वंस के बाद अब इधर अपनी साइड पर जाना है टेंस, ठीक है। जो 9 के बाद टेंस 10 आ गया, तो 1 10 के लिए हम 1 लिखते हैं। अगर 20 हो तो उसके लिए 2 लिखते हैं। 30 हो तो 3 लिखते हैं। 40 हो तो 4 लिखते हैं। 50 हो तो 5 लिखते हैं। 60 के लिए 6, 70 के लिए 7, 80 के लिए 8 और 90 के लिए 9, ठीक है। वंस टेंस ये 90 आ गया। 90 के बाद जब 100 आएगा तो फिर हमने फिर इधर मूव करना है हंड्रेड्स। वंस एक्सट्रीम राइट पे, देन टेंस, देन हंड्रेड्स। ये हम 9 तक आए थे, फिर 10 के लिए 1 आ गया, 20 के लिए 2 आ गया। इट मींस के इनको जब हम 10 से मल्टीप्लाई करते हैं इन सब को, तो वह नंबर आ जाता है। जैसे 1 क्या है, ये एक्चुअली ये क्या है, 10 है। 2 क्या है, 2 × 10 20। 3 क्या है, 3 × 10 30, क्योंकि ये टेंस है। 4 क्या है, 4 × 10 40। 5 × 10 50। 6 × 10 60। 7 × 10 70। 8 × 10 80। 9 × 10 90। जब 10 × 10 100 करेंगे तो फिर हमने फिर मूव करना है लेफ्ट साइड पे। तो जब वहाँ पे, यहाँ पे 1 होगा तो ये क्या है 100, ये क्या है 200। इसका मतलब क्या है कि हम इन सब को अपने माइंड में 100 से मल्टीप्लाई कर रहे हैं। ये भी ऐसे आएगा 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9। 5 क्या होगा इसमें, 500 होगा, क्योंकि हम यहाँ पे 100 से मल्टीप्लाई कर रहे हैं। वंस टेंस हंड्रेड थाउजेंड्स थाउजेंड्स, ठीक है। ये थाउजेंड्स वाला जो कॉलम है इसमें भी ये है कि हमने अपने माइंड में सबको थाउजेंड से मल्टीप्लाई करना है। 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9। तो यहाँ पे 8 क्या रिप्रेजेंट कर रहा होगा, 8 × 1000 8000 रिप्रेजेंट कर रहा होगा, 8000। यहाँ पे 3 क्या रिप्रेजेंट कर रहा होगा, 3 × 1000 3000 रिप्रेजेंट कर रहा होगा, ठीक है। थाउजेंड, वंस, टेंस, हंड्रेड, थाउजेंड्स। उसके बाद फिर हम मूव करेंगे 10,000। ये आपने, आपको याद रखना पड़ेगा 10,000, ठीक है। ये
जो होगा इसमें हम समझे अपने माइंड में हम 10,000 से मल्टीप्लाई कर रहे हैं। जैसे वन ये 10,000 को रिप्रेजेंट करेगा, ये 20,000, 30,000, 40,000, 50,000, 60,000, 70,000, 80,000, 90,000। यानी अगर 5 होगा इस कॉलम में, ये जब हम ऐसे लिखते हैं फ्रॉम अप टू डाउन, ये कॉलम होता है, ठीक है, तो इसमें 5 का रिप्रेजेंट करेगा, 5 × 1000 ये रिप्रेजेंट कर रहा है, ठीक है। वंस, टेंस, हंड्रेड्स, थाउजेंड्स, 10,000, और फिर आएगा 100,000, उसके बाद क्या आएगा, 100,000, 100,000 क्या आता है, लाख, इसको कहते हैं ना 1 लाख, 2 लाख, 3 लाख, ठीक है, इसको LAC लाख भी लिखते हैं इसको इंग्लिश में, लेकिन हमने याद रखना है 100,000, ठीक है। तो इसमें हम क्या कर रहे होते हैं कि हम यहाँ पे अपने माइंड में 100,000 इसे हम मल्टीप्लाई कर रहे होते हैं, ये 1 के साथ 5 जीरोज हैं, यानी 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9। यहाँ पे 2 क्या होगा, ये वाला, ये होगा 200,000, 6 क्या होगा, 600,000, 9 क्या होगा, 900,000, ठीक है। तो ये चीज़ जो है सबसे पहले आपने बेसिक्स जो हैं वो आपने इनको याद रखना है कि यहाँ पे हर एक नंबर की वैल्यू क्या है। अगर यहाँ पे ये 3 है तो ये हंड्रेड्स के नीचे ये 3 आ रहा है, तो ये हम 100 से मल्टीप्लाई करेंगे, ये 300, इसकी वैल्यू है 300। यहाँ पे 4 की क्या वैल्यू है, क्योंकि ये इसके नीचे आ रहा है 10,000 के, 4 × 10,000 ये 40,000 इसकी वैल्यू है, ठीक है। ये 3 की क्या वैल्यू है, यहाँ पे चूँकि 10 के अंडर आ रहा है, ये 3 × 10, 30 इसकी वैल्यू है, ठीक है। तो यहाँ पे 5 है, ये 100,000 के नीचे आ रहा है, 5 × 100,000 इसकी वैल्यू है, ठीक है। तो इसको हम कहते हैं प्लेस वैल्यू, के नंबर जो हैं उनकी वैल्यू है क्या, ठीक है। तो ये अभी हम जो ना ग्रेजुअली इसको आगे लेके चलेंगे, तो आप हमारे साथ रहें और वीडियोस को आप देखें, उन पर गौर करें, उनको समझें। अगर आपको अच्छी लगे उनको लाइक करें, उनको आप शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। हम इंशाल्लाह आपके लिए मैथ बहुत इजी बनाएंगे।